नाज़रीन हमारे साथ जुबैर भट्टू साहब हैं, जबकि एसी शालीमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में इनको खुश आमदीद कहते हैं। सर, कुछ लोगों का ये कहना है, बल्कि बेशतर लोगों का ये कहना है कि माली नुकसान से बचा जा सकता था अगर नोटिस पहले सर्व हो जाते, तो ये एक नॉर्मल बात है, अच्छी बात है, नोटिस पहले हो जाते तो लोग नुकसान से बच जाते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो ऑपरेशन किया गया है, ये पूरी एक प्लानिंग के तहत किया गया है, और इसके बाकायदा जो लोग जिन लोगों की नजायज तजावजात हैं, जिसमें थड़े हैं या छजे हैं, इनको बाकायदा पहले मार्किंग की गई है और अखबार में इश्तहार भी दिया गया है। लोगों का ये एक्सक्यूज़ कि इनको पहले इतला नहीं गई, इसमें कोई खास मेरा नहीं ख्याल के कोई वजन है। ऑलरेडी लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्म किया गया है, इसमें पब्लिकली नोटिस भी है और बाकायदा जो मार्किंग पहले की गई है, तो अभी भी जो लोग उतार रहे हैं, हम कोशिश जो हमारे मौजूद हैं। आपने छज्जों और थड़ों की बात की है भट्टू साहब, वो तो वैलिड है, लेकिन दुकानदारों का ये कहना है हमें यही नहीं मालूम था कि जो बिल बोर्ड है वो भी तजावजात के जुमरे में आ रहे हैं। नहीं नहीं, बिल बोर्ड का जहाँ तक है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ह आर्डर है। अच्छा। कि बिल बोर्ड भी जो है ये सारे जो है ना उतारे जाए। और लोगों को ज्यादा मसला इसी से है कि अगर हमें पहले बता दिया जाता कि बिल बोर्ड तजावजात के जुमरे में है, तो हम बिल बोर्ड खुद उतारते। बिल बोर्ड का जहाँ तक तल्लक है मदिया, ये है कि बिल बोर्ड इन्होंने ऐसे लगाए हुए हैं कि पूरी पूरी दुकान को बिल बोर्ड से कवर किया हुआ है। बिल बोर्ड का एक पूरा जो है ना प्रॉपर जो डिज़ाइन है, साइनेज है, वो मैंने इनको दिया है। अभी जो है ना फिरोजपुर रोड वालों के जो महबूब सिरकी साहब हैं, उनकी पूरी यूनियन अच्छा, महबूब सिरकी साहब की आपने बात की है। हम देख रहे हैं कि आप पीछे फिरोजपुर रोड जहाँ से वो मार्बल वाली शॉप शुरू हो रही है, करतबा चौक तक आपने वहाँ से यहाँ तक नोटिस जो है वो वापस लिया, वहाँ से यहाँ तक कोई भी बिलबोर्ड नहीं उतारा, तो ये क्या आपको नहीं लगता जानिबदारी और गैर जानिबदारी की जानिब जा रहे हैं? किसी को आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, पूरे शहर के साथ मुसावी सलूक करिए। देखिए नहीं, वहाँ सूरत हाल जो थी कि आपने देखा होगा कि अबू यूसुफ या इस तरह के बड़े बड़े यानी बड़े ट्रेडर से डर गए, बड़े बड़े प्लाजे हैं उनके ऊपर जो बिल बोर्ड लगे हुए हैं, हम पूरा दिन भी वहाँ लगे रहते तो वो नहीं उतारे जा सकते थे। हमने कोशिश ये की है कि हमने उनको जो है ना ऑन बोर्ड लिया है और उन्होंने एक रिटर्न अंडरटेकिंग दे दी है और उन्होंने कल तक जो है ना शाम तक वक्त ले लिया है। आप देखें कल जो है ना वो अभी फ्लैक्सें उतारने शुरू कर देंगे और कल वहाँ उनकी अपनी लेबर लगी। बड़े बिजनेसमैन से आप डर गए? छोटू साहब की बात से बिल्कुल एग्रीटिंग करता है, ये कह रहे हैं पूरा दिन लगे रहते तो ना उतार सकते, मगर कल तक वो उतार लेंगे, यानी कि उनके पास भी तो अब एक ही दिन है, तो एक दिन में इनके पास भी मशीनरी है, पूरी पावर है, मैन पावर है और इसके साथ साथ हैवी मशीनरी इनके पास है, उतार सकते थे। तो सब यही बात आज के प्रोग्राम में हम जेरे बहस लेके आ रहे हैं, जानिबदारी और गैर जानिबदारी। आप सर के साहब को दे रहे हैं एक्सटेंशन, इनको भी दीजिए, छोटे वालों, छोटे दुकानदारों को, इनकी भी देखें जो जो कमिटमेंट करता है बिल बोर्ड की हद तक कि मैं अपने खुद उतारना चाहता हूँ। अच्छा। तो वहाँ हम देखते हैं कि ठीक है, अगर बड़ा बड़े साइज का बहुत बड़ा बोर्ड है, जैसे मैंने आपको मिसाल दे दूँ कि हमने हार रोड पर जो है ना बहुत बड़े बोर्ड जो है ना हमने उतारे और वो खर्चा भी हम उनसे जो है ना चार्ज करने जा रहे हैं जिन्होंने बोर्ड, तो ऐसी सूरत हाल में हमने जो है ना या जो आप फिरोजपुर रोड की ये बात करें, जानबदारी वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ उन्होंने कमिटमेंट की है और कमिटमेंट उन्होंने रिटर्न मुझे दी है, अंडरटेकिंग दी है, बयान हल्फी दिया है, तो उनको जो है ना कल तक हमने सिर्फ ये मौका दिया है कि खुद उतार लें। जो इस तरह की अंडरटेकिंग देता है बिल बोर्ड की, सबको दे दे मौका, फिर सबको मौका दे दे। इंक्रोचमेंट का तो एक इश्तिहार आता रहा है, किसी को ना दे मौका। इनको इंक्रोचमेंट का तो एक इश्तिहार आता रहा है और अखबार में इश्तिहार, बिल बोर्ड की बात करी, किसी को नहीं आप मौका दीजिए या फिर सबको मौका दीजिए एक दिन का, ऐसा हो सकता है? बिल बोर्ड अब कल जिधर हमने जाना है उन लोगों को पता नहीं है कि इधर ऑपरेशन है। हाँ। उनको एक ऑलरेडी इश्तिहार के जरिए भी नोटिस के भी जरिए बैनर के जरिए इतला दी गई है। तो सर, आपको मालूम है, आपको मालूम है नून लीग रहनुमा है वहीद गुल साहब, उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया इस ऑपरेशन के ऊपर, इस ऑपरेशन को है वो मैला करने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग से बदला लिया जा रहा है और ये बिल्कुल गोंगलू से मिट्टी झाड़ी जा रही है ऑपरेशन पे, ऑपरेशन भी नहीं किया जा रहा बल्कि शहरियों को तंग किया जा रहा है, उनका ये कहना है, बल्कि और भी नून लीग वाले यही कह रहे हैं, मगर मकसद ये है वडू साहब कि अगर आपने ऑपरेशन करना है, जिस तरह कल हरबंसपुरा में असिस्टेंट कमिश्नर जहीर लियाकत शाली मार के हैं, तो इन्होंने कल ऑपरेशन का पूरी प्लानिंग जो इनकी है वो पसपा हो गई, यानी कि ये इनकी प्लानिंग पसपा नहीं हुई, जिले इंतजामिया की रेट खत्म हो गई वहाँ पे, कि जो वहाँ के मुतासरीन थे उन्होंने पहले एहतजाज किया, उनको इस्तेमाल किया गया और जो लोग वहाँ पे काबिलीन थे वो पीछे रहे और उसके बाद रात को इन्होंने गिरफ्तारियाँ भी उनकी करवाई, उनको छोड़ भी दिया बाद में, उनके खिलाफ उनको दो दिन भी दे दिए गए और आज वो अपनी मदद आपके तहत अपना सामान वहाँ से खत्म कर रहे हैं ताकि ये एक दिन बाद ऑपरेशन होना है। क्यों सही साहब, मैं यही सही ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, कल हमने ऑपरेशन हरबंसपुरा में किया था और वहाँ पे लोगों ने
थोड़ा सा मैं कह लो कि मज़ामत का मज़ारा हुआ, लेकिन उसके बाद वो मुज़ाकरात हुए और लोग उन्होंने अपनी मदद की, आप तो वहाँ पे एनक्रोचमेंट हटानी शुरू कर दी है। तो सर ये जो बात हम कर रहे हैं कि अब आपके इस ऑपरेशन को इसके खिलाफ जो है बाजगश्त होना शुरू हो गई है, इसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं आपके कैंप से, नहीं मुखालिफिन के कैंप से, इसको कैसे आप रोकेंगे फिर? देखें जी, मैं तो नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि किसी जो है ना खास ग्रुप को या किसी एक जो है ना जमात को टारगेट किया जा रहा है। ऑपरेशन तो ये बिला इम्तियाज़ हो रहा है, बिला तफरीक हो रहा है, किसी किस्म का जो है ना किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला वो ऐसा जो है ना नहीं सलूक किया जा रहा। ऑपरेशन आप खुद देखते हैं बनारकली बाजार में, आप ये कह रहे हैं मगर हमें जो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो देख रहे हैं वो ये नजर आ रिपोर्ट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जो फिल्म बंद कर रहे हैं। आप ये एक साइन बोर्ड को खत्म कर रहे हैं, आप ये रक्षा मार्केट है लिटन रोड पे, इनके साइन बोर्ड उतार देंगे। आपको सुबह लोगों ने भी बताया कि जी यहाँ पे दो प्लाजे गैर कानूनी बन रहे हैं, बेसमेंट है उनकी, उनके ऊपर गैर कानूनी तौर पर उनका नक्शा कैसे तैयार हो गया, ये पीछे एक मेन पर ही प्लाजा इनको दिखाया अभी सुबह। अब ये सुबह का इन्होंने MOP को कहा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन प्लानिंग को कहा हुआ है, नक्शा मंगवाया हुआ है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से नक्शा मंगवाया हुआ है। मदीहा 5 घंटे हो गए वो बंदा अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, अभी तक उन इमारतों का चेक नहीं किया गया है, किसका ये नहीं हमें पता। वहाँ पे लोगों ने चीहे मारी कि ये गली में डाल दिया प्लाजा, किसका प्लाजा है जी, ये देख राशारी का प्लाजा है, कामरान राशारी का प्लाजा, पक्की बात है, इसलिए उसको कुछ नहीं कह सकते ये लोग। किसका प्लाजा है? सही कह रहे हैं, ये कामरान राशारी का प्लाजा है, वो उनके अपने बंदे हैं, इसका मतलब ये अपने बंदों के डॉक्यूमेंट पहुँच ही नहीं पा रहे, भी लगा हुआ अभी तक, वो देखे जाके वो बोर्ड लगा हुआ है, वो प्लाजे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, दुकानदारों के बोर्ड उतार दिए इन्होंने और उनका बोर्ड। जवाब दीजिए सर, बट्टू साहब जवाब दीजिए। बात किया कि लोग कह रहे हैं कि इनका नक्शा मंगवाया मगर अभी तक इनके पास नक्शा नहीं आया, ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? फिर हम कहेंगे जानिबदार ऑपरेशन किया जा रहा है। लाशारी ग्रुप के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं देखें जो ये ऑपरेशन में जो जुमला हमारे साथ जो है ना बिल्डिंग वाले हैं, बाकी लोग हैं, वो सारे हमारे साथ हैं, तो उस वक्त मेरे साथ उस प्लाजे का नक्शा अभी तक नहीं पहुंचा सर, इंस्पेक्टर नहीं था, उस प्लाजे का नक्शा मंजूर शुदा है। अच्छा। और उसकी कॉपी मैं आपके जो है ना दफ्तर भी भिजवा देता हूं, आपको भी दे देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको जो है ना एक नोटिस देकर पहले हम जो है ना रोकते हैं, अगर वो नक्शा नहीं करवाता तो फिर उसको भी गिरा सकते हैं। चले जी, कह रहे हैं कि वो जो लाशारी ग्रुप का प्लाजा है वो लीगल है। अगर जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे मगर 5 घंटे हो गए हैं, सवाल वहाँ पे लोगों ने उठाया था, हमारे दफ्तर पहुँचाएंगे कागजात बचा सकते हैं मगर मुझे 5 घंटे बाद भी अभी तक नहीं मिले। अभी आपको मिल गया नक्शे की कॉपी? जी नक्शे की कॉपी इस वक्त बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसको देखा है और मैंने उसे यही कहा था कि आपने कथा को जो है ना एक रेस्क्यू ड्राइवर होता है, उसको अभी तक उठा के उसके ऊपर पर्चा दे देते, उसको मारते, उस पर जुल्म करते, ठीक है ना, एक आदमी अमीर आदमी उसको आधी डालते, गरीब आदमी कोई आता है ना तो उसको पकड़ के ना घिस देते हैं, चलो आगे लगो, मेरे सामने इन्होंने वर्कशॉप के जो मजदूर थे बेचारे काम करते हैं उनको घिस के गाड़ी में बैठाया है, ठीक है ना, क्या वो उनके लिए कानून नहीं? सबके लिए कानून होना चाहिए, अमीर के लिए भी कानून चाहिए, गरीब के लिए भी कानून होना चाहिए। प्लाजा जो है उसका नक्शा अभी आ रहा है, 5 घंटे में अभी बैठेगा गाड़ी में, आएगा चाय पिएगा, लस्सी पिएगा, फिर आएगा। अभी इनका ये कहना कि नक्शा आ चुका है, देख लिया है, ठीक है, मगर वही बात आ गई, अगर कैमरामैन यहाँ से दिखा सके तो वो वाला प्लाजा है सामने बिल्कुल राइट साइड पे, वो मेट्रो बस के ऊपर जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजा है वो, और अभी तक सुबह भी बात हुई, अभी भी बात हुई यहाँ पे, हालांकि हमें तो यही पता है कि ये प्लाजा है, जाहिर पता है कानून के मुताबिक बना होगा, मगर लोगों ने कहा कि इसका नक्शा मंगवाया जाए मगर अभी तक हमें नक्शा नहीं दिखाया गया, नहीं आया सर नक्शा उसका मंजूर शुदा है, ऐसी नहीं बात है कि नक्शा नहीं है, नक्शे की कापी जो है ना मैं आपको जो है ना मुहैया कर दूंगा, आप बिल्कुल उसको चेक करें, होनी चाहिए थी साहब कापी आपके पास होनी चाहिए थी। देखें जो है ना ये जब बिल्डिंग बन रही होती है तो नक्शा उनके साथ तो है नहीं, नक्शा उसका दफ्तर में होता है, मैं साथ लेकर तो हर बिल्डिंग का नक्शा नहीं चल रहा हूँ, आपके पास एक एक चीज होनी चाहिए थी। यहाँ पे LDA भी ऑपरेशन कर रहा है और LDA में देखिए जी LDA भी इसी गवर्नमेंट का इदारा है और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी इसी गवर्नमेंट का इदारा है और जिला इंतजामिया भी, मैं कहता हूँ कि जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑपरेशन में फेल हो चुकी है, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ क्योंकि मैं 3 दिन हो गए इनके साथ ऑपरेशन करवा रहा हूँ, क्या हम नहीं थक रहे? ये अकेले थोड़ी थक रहे हैं, यहाँ पे हम इनके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, 4 दुकानें छोड़ के 1 दुकान में जाते हैं, 4 दुकानें छोड़ के 1 दुकान में जाते हैं, कहाँ पे हैं डीसी साहब को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, इस पूरे एरिया का विजिट करना चाहिए, आज 3रा रोज है, DC लाहौर कैप्टन टाइट अनवारुल हक यहाँ पे क्यों नहीं आए, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर 2 बजे गायब हो गए हैं, सफदर विरक आप भी अभी आए हैं यहाँ पे 1 घंटा पहले, ये भी गायब हो गए, यहाँ पे ऑपरेशन कोई बंदा मर गया बाद में क्या होगा,
यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है इस इन क्रेनों को किसी ने क्या करना है। एक क्रेन जो है आपकी किराए पर है, दूसरी क्रेन जो है वो सरकारी है। एक तहवील में चले जाइए कि पुलिस के चार पुलिस वाले आप साथ लेकर घूम रहे हैं, सुबह के टाइम आपके पुलिस वाले हरकत में थे, अभी पुलिस वाले भी डाउन हुए हैं। क्यों डाउन हुए हैं? आप तीन शिफ्टें बना लें, जरूरी है कि आपने ऑपरेशन करना है। आप नीचे आपने सुपरवाइजर रखें, आप चार घंटे उनको लगाएं, चार घंटे उनको लगाएं, पूरी रिपोर्ट बनाएं। पटवारी आपके साथ होना चाहिए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर। जब भी हम कोई बात करते हैं आप ये आगे से कहते हैं कि जी वो आ रहा है, पांच घंटे बाद अभी भी आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो ये नक्शा नहीं हो सकता, वो तो दफ्तर में होगा। वाह जी, इस तरह तो नहीं है ना, ये सारी आवाम है, इसको जवाब दें। ये तो सुबह जवाब आवाम को, ये सारे सुबह सुबह हमें कह रहे थे कि ये प्लाजे के बारे में नक्शा हमारी दुकानों को करवाया जा रहा है। आप सहाफी हैं, आप साथ साथ चल रहे हैं, आप इनके साथ मौजूद हैं, आप इस तरह तो ना वटू साहब करें, आपको कहना करना चाहिए। आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर को साथ बैठाते भाई, इधर रहे, इनको दिखाते, सुबह भी वही बात कर रहे थे। इस सवाल का जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद कि क्यों आखिर तीन रोज के बाद ये जो ग्रैंड ऑपरेशन लाहौर में तजावजात के खिलाफ किया जा रहा है ये मुतनाज़े होता जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।